हेलो स्टूडेंट्स, तो मैं उत्कर्ष था, तो एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब चैनल विजडम मैथ एकेडमी पर। मैं आपके लिए चैप्टर पॉलिनोमियल से रिलेटेड एक ऐसा कॉन्सेप्ट लेके आया हूं जो कि आपके आने वाले बोर्ड के एग्जाम के लिए काफी हेल्पफुल होने वाली है। तो चलिए देर ना करते हुए हम उस कॉन्सेप्ट को समझते हैं। पॉलिनोमियल चैप्टर में हमें बहुत बार क्यूबिक इक्वेशन रूट सॉल्व करने में काफी दिक्कत होती है। क्यूबिक इक्वेशन रूट आप मान सकते हैं कुछ ऐसा दिया होगा आपके पास कि एक्स क्यूब प्लस 8x स्क्वायर प्लस का 17x प्लस का 10 बराबर 0, और आपसे फाइंड करने को बोल दें कि आप इसको सॉल्व करें, इस इक्वेशन रूट को क्या करें, सॉल्व करें। तो इसको आप काफी इजी वे में कर सकते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको देखना है कि कोफिशिएंट टर्म कौन सा दिया हुआ है, 10 दिया हुआ यहाँ पर। तो पहला स्टेप हमारा जो इसमें होगा, उसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे, 10 के क्या लिख लेंगे, सभी फैक्टर्स लिख लेंगे। तो 10 के कौन कौन से फैक्टर हो जाएंगे, 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 5 हो जाएगा और खुद 10 हो जाएगा। अब इसी फैक्टर को आप प्लस माइनस में एक साथ लिख लेंगे, मतलब ऐसे जैसे प्लस 1 माइनस 1, प्लस 2 माइनस 2, प्लस 3 माइनस 8, 3 का है 5 ना, प्लस 5 माइनस 5 और प्लस 10 माइनस 10। ये हो गया हमारा क्या, सेकेंड स्टेप। थर्ड स्टेप क्या है, थर्ड स्टेप हमारा है यहाँ पे क्या लिखा है, अब देखना है हमको x स्क्वायर के साथ कौन सा कोफिशिएंट जुड़ा है। x स्क्वायर के साथ हमारा 8 जुड़ा है, तो आप ऐसे फैक्टर उठाइए यहाँ पे जिनको जोड़ने पर 8 आ जाए और मल्टीप्लाई हम करें तो क्या आ जाए, 10 आ जाए। तो कौन कौन सा फैक्टर होगा, तो देखते हैं हम इधर से, जैसे हम ले लें प्लस का 1 और क्या है, प्लस का 2 और प्लस का 5। अगर देखिए इधर क्या हम इन तीनों को जोड़ेंगे तो 8 आ जाएगा हमारे पास, आ जाएगा 5 to 7 और 1 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। और इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या 10 आएगा, बिल्कुल आएगा, 5 to 10 और 10 क्या हो जाएगा, 10। ठीक है, तो कुछ नहीं करना है, जो हमारा लास्ट स्टेप है उसको मैं ऐसे लिख देंगे x प्लस 1, ये देखिए ना, ये जो लिखे x प्लस 1, x प्लस 2 और x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। ये हमारा क्या आ गया, इसके फैक्टर्स आ गए। अगर यहीं से आपकी x की तीनों की वैल्यू निकालनी है तो एक बार x बराबर माइनस 1 आएगा, एक बार माइनस 2 आएगा, एक बार क्या ठीक है। एक और क्वेश्चन के माध्यम से हम इसको एकदम क्लियर कर लेते हैं कि ये कैसे सॉल्व होगा। दूसरा क्वेश्चन हम मान लेते हैं कि मेरे पास ये दिया हुआ है x क्यूब माइनस का 6x स्क्वायर प्लस का 11x माइनस का 6 बराबर क्या दिया, 0। कुछ नहीं करना है, सेम उसी प्रकार करना है जैसा कि हमने पहले क्वेश्चन किया था। सबसे पहले हमको क्या देखना है, कॉन्स्टेंट हम लास्ट में क्या दिया, कॉन्स्टेंट हम दिया हुआ है 6, इसके हम क्या लिखेंगे, को फैक्टर्स लिखेंगे। इसके फैक्टर्स क्या क्या हो जाएंगे हमारे पास, प्लस का 1, प्लस का 2, प्लस 8, प्लस अभी नहीं लिखना, प्लस प्लस माइनस सेकंड कंडीशन में लिखना, तो अभी केवल फैक्टर लिखने, तो 1, 2, 3 और क्या हो जाएगा हमारा, 6 हो जाएगा। सेकंड स्टेप हमको प्लस माइनस में लिखना है, तो ये हो गया प्लस 1, माइनस 1, प्लस 2, माइनस 2, प्लस 3, माइनस 3 और प्लस 6 क्या हो गया, माइनस 6। थर्ड स्टेप हमारा क्या था, थर्ड स्टेप में हमको देखना है कि x स्क्वायर के साथ कौन सी वैल्यू है, x स्क्वायर के साथ यहाँ 6 है, तो हमको ऐसा नंबर जोड़ना है कि ऐड करने पर माइनस का 6 आए और मल्टीप्लाई करने पर भी हमको क्या है, माइनस का 6 आ जाए। तो यहां से क्या हम 3, 2 और 1, अगर हम माइनस 1, माइनस 2, माइनस 3 इनको ऐड करेंगे तो माइनस का 6 आएगा, और इन्हीं को मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय माइनस 2 और मल्टीप्लाई बाय माइनस 3, तो क्या जाएगा, माइनस का 6। तो सॉल्व हो गया हमारा क्वेश्चन। इसके बाद लास्ट स्टेप हमारा क्या था, इसको हम लिख सकते क्या, x माइनस 1, x माइनस 2 और x माइनस 3 बराबर 0, अगर x की वैल्यू फाइंड करनी है 1, 2, 3। ठीक है, आप इस प्रकार के क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर सकते हैं ताकि ये क्यूबिक इक्वेशन रूट आप काफी इजी वे में सॉल्व कर सके। आई होप आज की क्लास की आपको समझ में आई होगी।